कोई नशीले पदार्थ गोरखपुर में पकड़े गए, कई किलो पकड़ा गया है। सवाल ये, पकड़ा गया कहाँ से आ रहा था? आखिरकार ये नशीले पदार्थ जा कहाँ रहा था? गोरखपुर में कहाँ जा रहा था? आ रहा तो वो पकड़ लिया आपने, लेकिन जा कहाँ रहा था ये? और सर्दियां आ रही हैं इसलिए ज्यादा जा रहा था। यूपी की राजनीति में अब गांजे से लेकर चरस सब घुलना शुरू हो गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सांड से लेकर गांजे तक सीधे सरकार को लपेट ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जो गांजा पकड़ा गया है वो जा कहां रहा था। लेकिन गांजे की पूरी कहानी क्या है पहले हम वो बता देते हैं। दरअसल हुआ ये कि गोरखपुर में पुलिस ने नेपाल से आते हुए एक दारोगा साहब को उनके साथी के साथ रोका तो उनके पास 33 किलो गांजा बरामद हो गया। अब इस बरामदगी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे सीधे सरकार से पूछ लिया कि ये नशीला पदार्थ कहाँ जा रहा था, इसकी समीक्षा कब होगी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने आगे कहा कि अब तो ठंड बढ़ने वाली है इसलिए ज्यादा जा रहा था। सुनने में आया है कोई नशीले पदार्थ गोरखपुर में पकड़े गए, कोई दरोगा, कितने किलो पकड़ा गया? कई किलो पकड़ा गया है। सवाल ये, पकड़ा गया कहां से आ रहा था? आखिरकार ये नशीले पदार्थ जा कहां रहा था? गोरखपुर में कहां जा रहा था? इसकी समीक्षा कब होगी? आ रहा तो वो पकड़ लिया आपने, लेकिन जा कहां रहा था ये? और सर्दियां आ रही हैं इसलिए ज्यादा जा रहा था, तो इसकी समीक्षा कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।